क्या होगा अगर एक दिन आपकी माँ आपसे पूछे कि तुम कौन हो, या आपके पिता खाना देखकर कहें कि आपने उसमें जहर मिलाया है, या आपके पति घर से गायब हो जाएं और ये बता ही ना पाएं कि वो कहाँ गए थे, या फिर आपके माता पिता आप ही के बच्चों को घर से निकाल दें। झुंझलाहट होगी, गुस्सा आएगा, आ सकता है, लेकिन इस हालत में उन्हें आपके गुस्से या आपकी झुंझलाहट की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है प्यार की और इलाज की। हो सकता है उन्हें अल्जाइमर्स हो गया हो। आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिनके किसी अपने को अल्जाइमर्स क्या हुआ उसकी देखभाल में उन्होंने खुद को ही भुला दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 साल की उम्र के बाद आप क्या करना चाहेंगे तो ज्यादातर लोग बोलेंगे आराम। लेकिन द्रौपदी जी तो 60 साल की उम्र के बाद भी आराम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें अपने पति की देखभाल करनी है, हर वो काम करना है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कई बार उनसे अपने पति का कष्ट देखा नहीं जाता। ये लगता है कि ये ठीक हो जाए, बस या तो ठीक हो जाए या फिर भगवान इनको ठीक करे, मुक्ति करे। द्रौपदी जी, हमने सुना, क्यों कहती हैं आप ये कि भगवान उन्हें उठा ले? आगे 10 साल हो गए बीमार है, इतना बीमार है कि उठ बैठ नहीं सकते, इतना करते करते मैं भी तो कभी थक ही जाती। मैं उनको बैठा के नहला सकूँ, खाना खिला सकूँ, अपने आप खाना तो खा लें कम से कम। अब इतना करते करते भी तो या तो ठीक करे भगवान उनको, या फिर बुला ले उनको, मुक्ति दे बस। शुरुआत कब से हुई? तकरीबन 10 साल हो गए उनको। धीरे 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 जब भी कोई स्ट्रोक पड़ता है तो उसके बाद एक बीमारी बढ़ जाती है उनकी। सबसे पहले क्या भूलना शुरू? थोड़ा सा हल्का सा भूल जाते थे, फिर चलते चलते गिर जाते थे, बैलेंस नहीं बनता था, ऐसे चलते थे जैसे भागते हैं। सोसाइटी में सब लोग कहते थे कि ये शराब पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के। तो बहू ने कहा नहीं, शराब नहीं पीते, मेरे पापा बीमार रहते हैं, ससुर मेरे बीमार हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा करते हैं। वो चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उनके साथ साथ चलना। 3 साल पहले वो घर से चले गए रात को, दिन में एक दिन लंच के टाइम। हम लंच ढूंढते रहे, सारी सोसाइटी में ढूंढा, ऊपर नीचे सब फ्लैटों में देखा, कहीं नहीं मिले। बेटा अस्पतालों में, सब जगह, पुलिस स्टेशन, टीवी में, सब जगह उनके पोस्टर छपवा दिए, सब जगह। रात को 11:30 बजे जब वो आए, तब बेटा इतना रोया, बहुत रोया। अब वो इतना है कि अब वो बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकते इस टाइम तो, बिल्कुल भी। 25 दिन अभी मैं जीवी पंथ में रह के आई हूँ, 4 दिन अभी अनमोल में रह के आई हूँ। अभी अकेला बेटा बेचारा, वो क्या ऑफिस जाएगा, कम का घर का काम करेगा, या बच्चों को देखेगा, या सारा दिन मेरे को ही तो नहीं देखता रहेगा ना। इसीलिए सारी जिम्मेदारी, सारे काम आप ही करती हैं? आप ही करती हूँ तकरीबन। मैं जब तक मेरे हाथ पर चलेंगे, मैं कोशिश भगवान से ये प्रार्थना है कि मैं करूँगी उनकी सेवा, जब तक जीऊँगी करूँगी। बट घर में आपको बच्चों का बहुत सपोर्ट मिला है, बेटे से, बहू से? बहू से, पोते से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, पोता पोती भी बहुत हेल्प करते हैं बेचारे। आइए आपको कुछ सुनवाते हैं। मम्मी, आपको याद है जब पापा की एक्सरसाइज कराते हुए जब आपको वो मारते हैं, आप रोती भी हो, फिर दोबारा एक्सरसाइज कराते हो, फिर उस टाइम हमें आपकी हिम्मत, लगन और पेशेंस देख के लगता है कि शायद इतने पेशेंस शायद ही किसी में हो, और उस टाइम हमें भी हिम्मत बढ़ती है और आपको देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। मारते भी हैं आपको? कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी गुस्सा मारते हैं गुस्से में। लेकिन एक बात बताइए, आपकी भी जो उम्र है, आपको लगता होगा मुझे भी आराम मिलना चाहिए, कब तक मैं ये सब करती रहूँगी, ऐसा लगता है? लगता तो है, पर जब तक उनकी सांस है तब तक तो मैं करूँगी। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथ पैर चलते रहें, जिससे कि मैं उनकी भी सेवा करती रहूँ, अपनी भी करती रहूँ, हाथ पैर चलते रहें मेरे। थक नहीं जाती? थक तो जाती हूँ, पर करना तो है ही ना। पोता पोती क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? पोता पोती कहते हैं हम करेंगे, अम्मा हम भी तो है ना तेरे साथ में, हम भी हम करवाते हैं ना। आपका पोता आपसे कुछ कहना चाहता है? जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मेरे को प्ले स्कूल छोड़ने जाते थे, पर अब वो नहीं जाते, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। अब मेरी अम्मा उनके साथ 24 घंटे लगी रहती हैं, कभी कभी मैं भी वो उनका बहुत काम होता है, कभी कभी मैं भी उनके साथ मदद करता हूँ। और आज मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अम्मा आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी अम्मा हो, और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। अकेला महसूस कर रहे हैं आप? कुछ है जो आप कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे? सब बर्दाश्त नहीं होता मेरे से।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन भर की बात उनसे बातें करने का मन करता है। मैं बोलती हूँ, जवाब नहीं देते, सुनते रहते हैं, बोलते नहीं है। मैं किसी बारे में कुछ कहती हूँ तो सुनते रहेंगे, बोलते नहीं कुछ भी। कहीं समझ आता है या नहीं आता, जवाब नहीं देते कुछ भी। ऐसा क्यों कर रही है, नहीं कर रही है, किसी के बारे में भी कहूँ तो कभी नहीं जवाब देते। सारी जिंदगी हर कोई ये सोचता है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा पति मेरी देखभाल करेगा, मुझे सहारा देगा। आपने भी ये सब सोचा होगा? सोचता तो सभी इंसान, अब मैं वो बूढ़े हो गए, मैं उनकी सेवा करूंगी। मैं सोचती हूँ कोई पति करता है, कोई पत्नी करती है, एक दूसरे का सहारा तो हम आपस में होते ही हैं। ये सोचती हूँ जब तक मैं हूँ करूँगी। कहाँ से इतनी हिम्मत आती है? भगवान देता है हिम्मत, पोता पोती देते हैं, बेटा देता है, बेटी देती है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। कभी कभी मन करता है कि मुझसे भी तो कोई पूछे तुम कैसी हो। मन करता है पूछे कोई, माँ तूने खाना खाया नहीं खाया तो कैसी, मन करता है पूछती है, बहू भी पूछती है, बेटा ही पूछता है, वो नहीं पूछते कभी, वो नहीं पूछते मैंने खाया कि नहीं खाया, तो सोई कि नहीं सोई, रात भर जागूँ तो नहीं पूछते, रोती रहूँ तो नहीं पूछते। लगता है कभी मैं रोती रहती ना, मुझे पूछे भी तो रो रही है। भाग जाने का मन करता है घर से, मंदिर जाने का करता, मैं नहीं जा पाती, झंडे वाली हनुमान मंदिर जाती थी पहले, अब नहीं जा पाती। मन करता है मैं और कहीं जाने, अपने मंदिर जाने को मन करता है बस। लेकिन प्यार तो आज भी करती है ना उनसे? फिर उनसे क्यों कहती है कि मैं चली जाऊंगी छोड़कर? उससे मैं कहती हूँ, वैसे नहीं कभी कहती, उससे मैं कहती हूँ जब गुस्सा आता है तब कहती हूँ मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, उसे नहीं छोड़ के जाऊंगी। और कुछ कहना चाहती हैं आज? नहीं, मेरे से बोला जा रहा है। इवन टुडे इफ शी विल सी मी अपसेट, शी विल स्टिल ट्राई टू कंसोल मी इन स्पाइट ऑफ हर अल्जाइमर्स एंड एवरीथिंग। विभा, सबसे पहले कैसे पता चला अपनी माँ की बीमारी के बारे में? वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल जाते थे, जैसे कि नाम भूल जाते थे और उन्होंने क्या किया है वो भूल जाते थे। फिर स्लोली स्लोली वो शी स्टार्टेड लिविंग मोर इन द पास्ट, जैसे वो लाहौर में रहते थे तब की सारी बातें याद थी, उनका स्कूल याद था, कहाँ रहते थे, एड्रेस वगैरह सब कुछ याद था। फिर मेरी बहन जो डॉक्टर है अमेरिका में, उन्होंने शुरू में डायग्नोस किया कि उनको अल्जाइमर्स है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? मेरे हस्बैंड ने, ऑफ कोर्स, ही ऑलवेज टेल्स मी, यू नो, योर मदर नीड्स यू राइट नाउ, लुक आफ्टर हर एंड डू फॉर हर। किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदलना होता है अगर घर में किसी को अल्जाइमर्स जैसी परेशानी हो जाए? आपके लिए बहुत मुश्किल था शुरू में क्या समझ पाना कि कैसे हैंडल करें पूरी सिचुएशन को, क्या करें? इफ़ योर पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है। हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश थी कि भाई अभी विभा की मदर को सपोर्ट चाहिए तो वी शुड ऑल जॉइन हैंड्स एंड सी वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू। कभी कभी अपनी फैमिली लाइफ के लिए लगता है कि हम उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं जैसे अगर हम बिल्कुल फ्री होते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, बच्चों को घुमाने ले जाना शायद वो उतना नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ों में आप बंध जाते हो। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, आपको उसको ओवरकम करना पड़ता है। ये उसी तरह से है कि अगर आपका बच्चे की तबीयत खराब है तो आप क्या उसको छोड़ के आप ऐसा सोचेंगे? विभा, हम आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं। हाय विभा,
मुझे तेरे बारे में आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार तुझे याद होगा मैं रस मलाई लेके आई थी तेरे घर, तो तू कैसे फटाफट गई कि मेरी मम्मी को रस मलाई इतनी पसंद है, मम्मी मैं उनको अभी खिलाऊंगी। हालांकि तेरी मम्मी को तो याद भी नहीं था कि ये रस मलाई कहते हैं इसे। कितने प्यार से तू उन्हें खिला रही थी जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। तो मैं तो ये कहती हूँ ऐसी बहू सबको मिले जो इतना ख्याल अपनी माँ का भी रखती है और हमारा भी रखती है। ये तो एक रोल की बात हो गई, माँ के लिए आप इतना कर रही हैं, बेटियों के लिए जैसे आपने कहा बेटियाँ भी समझती हैं, बट कभी कभी जैसे अकेले बैठी होती हैं कभी ऐसा लगता है कि काश बेटियों को और टाइम दे पाती। यू नो क्या होता है समटाइम्स लाइक आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, हाँ जी, सो मम्मी को भी साथ उधर ही उस कमरे में बिठा लिया, बच्चे भी साथ बैठे हैं, मम्मी भी साथ बैठी है, एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया, वो भी उनको भी है कि हाँ मैं भी इन्वॉल्व्ड हूँ, और बच्चों को भी लग रहा है हाँ मैं भी उनके साथ बैठी हूँ पढ़ा रही हूँ। उनके साथ मजाक भी बहुत होता है बिकॉज वो मेरे को नहीं पहचानते, बिकॉज मदर डजंट रिकॉग्नाइज मी, सो एट टाइम्स भी बच्चे भी पूछते हैं कि नानी ये कौन है, तो वो मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो आई ऑलवेज हैव फन, आई से आई लिव विद योर डॉटर एंड शी गेट्स एजिटेटेड विद दैट क्वेश्चन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटियों ने कभी शिकायत की हो कि मम्मा आप हमारे लिए ये नहीं कर रही हैं या हमको ये चाहिए? यस, इट हैपेंस। तो कहते हैं अच्छा नानी ऐसा करे तो ठीक है, हम ऐसा करते तो आप हमको डांटोगे। हाय मॉम, सरप्राइज, यू नो मॉम यू आर सो ग्रेट, आई लव यू, यू मैनेज एवरीथिंग and I tell you something, you're the bestest mom in the whole universe. I wish when I grow old, I'm just like you. Bye, take care. विभा, कभी कभी लोगों का रवैया, लोगों बाहर के लोगों का, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों का बिहेवियर, वो ज़रूर हर्ट करता है ना? जैसे स्मॉल इंस्टेंस, जब मम्मी पार्क जाते थे तो उनको जैसे यू नो वी ट्राई कि एटलीस्ट शाम को एक आउटिंग तो हो, क्योंकि वो मोस्टली लेट ही रहते हैं, तो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा ही एक्सरसाइज होती है तो हम पार्क ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जो दूसरी लेडीज़ हैं पार्क में, वो कहते हैं नहीं यहाँ नहीं बैठाना, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनको दूसरी तरफ ले जाओ। सो यू नो दैट यूज़ टू हर्ट बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट कैन हैपन टू एनीबडी, एनी वन ऑफ अस। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कोई परेशानी होती है तो माँ की गोद में सर रख कर ही रो लेते हैं, अब जब उनको ये परेशानी है वो कुछ समझ नहीं सकती ज़्यादा, Have you ever cried in front of her? Yeah, there are sometimes, yes. But you know, motherly instinct, even today if she will see me upset, she will still try to console me. In spite of her Alzheimer's and everything, it's a very natural thing. बाकी शायद एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता है और एक बेटी की लगन है और विश्वास है कि जो माँ अल्जाइमर्स की वजह से कल तक किसी को नहीं पहचानती थी वो आज अपनी बेटी को पहचानती है, उसका दुख समझती है भले ही कुछ कह ना पाए। लेकिन दीपिका के अपने ही पिता दीपिका की हर बात पर शक करते हैं। दिसंबर में मैं उनको दिल्ली लेकर आई थी एंड देन अराउंड दिस वाज ऑन माय बर्थडे, तो 6 महीने गुजर गए थे जब उन्होंने सडनली कहा कि सुबह के नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, तो मेरे को पॉइजन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही बड़ा एक झटका था। पिता को 7 साल से अल्जाइमर्स, भाई मानसिक रूप से कमजोर, माँ दूर केरल में। पिता कभी बेटी को पहचान नहीं पाते तो कभी खाना ये कहकर फेंक देते हैं कि इसमें जहर मिला है। दीपिका की जिंदगी इन सारी परेशानियों में ऐसी उलझी कि अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिला। तो मेरे को पॉइजन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही बड़ा एक झटका था वो। ऑब्वियसली आई डिडंट नो व्हाट टू डू, तो मैं बस बैठ के रोती गई काफी टाइम के लिए। दीपिका, हमने सुना आप कह रही थी इतना बड़ा शौक था जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे पॉइजन करने की कोशिश कर रही हो, खाने में जहर मिलाया है। समझ नहीं आया होगा, व्हाट वाज गोइंग इनसाइड यू, क्या चल रहा था उस वक्त?
That was a shocking statement जो सुना था तब पापा से. I was stunned. I didn't know how to respond to it. बहुत रोई थी आप उस. हाँ. And that day was my birthday also. So first thing in the morning I get to hear this. So I sat and cried a lot. But then later on I picked myself up and I thought no, कुछ भी हो कैसे भी, I mean some solution has to be found. पूरा बचपन बीतता है अपने फादर या मदर को एक रोल मॉडल की तरह देखते हुए कि वो इतना काम करते हैं, मुझे इनकी तरह बनना है. और उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है वही इतना वीक हो आपके सामने कि आपको उसकी हर तरह से देखभाल करनी पड़े, वो एक्सेप्टेंस आने में भी बहुत परेशानी होती है. एक्सेप्टेंस से पहले है द पेन यू गो थ्रू, यू नो इट्स अ फ्राइट. दिस टू इमोशंस वो इट हैपेंड टू यू. हां एब्सोल्युटली. और एक डेढ़ साल तो लग ही जाता है आपको इनिशियली going through these kind of emotions. मैं आपको देख रही हूँ कि ऐसे इंसान के तौर पे जो एक साथ बहुत सारे लोगों की देखभाल कर रहा है, आपका भाई भी बीमार है, पिता को देखना है, माँ दूर है, वो भी उनकी भी ओल्ड एज है, उनको भी केयर की ज़रूरत है. लेकिन जब दीपिका को केयर की ज़रूरत होती है, अगर दीपिका बीमार हो जाए तो कौन है साथ में? जब मैं बीमार थी तब ऑफकोर्स मम्मी और मौसी आ गए थे दिल्ली में. But then I have my friend circle who've been a great, great support. और रात पे 12 बजे भी फोन करे तो वो मतलब we always having a chat on the phone. So that's not a problem. कौन है friends? Friends हैं there's Rajam, there's Deepa, there's Susan, there's Shivani. These have been very close knit people. राजन दीपिका आपके बारे में कह रही थी कि बहुत परेशानी में आपने इनका साथ दिया है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने दीपिका को इतने साल में बहुत बदलते भी देखा होगा, बहुत सारी परेशानियों से सब जब जूझता है इंसान, इनकी ज़िंदगी किस तरह बदल गई है? ये कहते हैं ना चट्टान अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है, दीपिका वो है. शी इज़ आई डोंट नो व्हाट टू से अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. इनके लिए भी जितना भी कहे कम है. Managing herself with all the ailments, her father, her brother, her mother. I mean, it's a big job. हिम्मत की बात हो रही है, लेकिन कितना भी हिम्मती इंसान हो, कभी ना कभी तो वो हिम्मत टूटती होगी. हाँ, that's what I said beginning में कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटे-छोटे मौके आए हों जहाँ मैं बहुत रोई हूँ, मतलब completely helpless, not knowing what to do. लेकिन 5-10 मिनट के बाद अपने आप को संभाल लेती हूँ. कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अभी जितनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ जिसमें वक्त निकल जाता है, अपने लिए सोचने का वक्त नहीं मिला, एक दिन होगा कि मैं अकेली रह जाऊँगी, वो दिन सोचकर कभी कभी घबराहट होती है? कभी कदा पहले घबराहट होती थी, फिर हम काफ़ी सिंगल फ्रेंड्स हैं तो हम लोगों ने पैक्ट बनाया कि हम लोग सब एक घर लेके साथ रहेंगे. We'll help each other out. So that's a joke that goes on amongst us single friends. Do you have a very beautiful smile also, I must say. और इतनी सारी परेशानियों से जूझने के बावजूद किस तरह से मुस्कुराया जाता है ये शायद हमको दीपिका से सीखना होगा, और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाता है ये भी इन लोगों से सीखना होगा. विभा और दीपिका तो फिर भी अपने माता और पिता की सेवा कर रही हैं, लेकिन कर्नल अमित वर्मा अपने सास ससुर की ऐसे वक्त पर देखभाल कर रहे हैं जब उनके ससुर को अल्जाइमर्स है. मैं थोड़ा कोशिश भी ऐसी रखता हूँ कि भी उनको मैं प्रेजेंट में रखूँ, तो वही है बस, जब तक वो प्रेजेंट में रहते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है. कर्नल रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हैदराबाद में बसने का ख्वाब देखता है, लेकिन आज वो अपने परिवार से दूर है. वजह, क्योंकि वो दिल्ली में अकेले रहकर अपने सास ससुर की देखभाल कर रहा है. कर्नल अमित वर्मा के ससुर को पिछले 4 साल से अल्जाइमर्स है. एक रेस्ट्रिक्शन सी हो जाती है कि आदमी हर वक्त फ्री नहीं है कि मैं आज यहाँ चला जाऊँ या आज कुछ और कर लूँ. कर्नल वर्मा, ये बात
सही है कि आप हमेशा सोचते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद में रहूंगा अपनी फैमिली के साथ? हाँ, मतलब हर आदमी रिटायरमेंट के बाद कुछ सपने देखता है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि मैं अपनी काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर चुका हूँ और कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ आराम से बिताऊंगा। लेकिन नहीं जा पाए? कुछ हद तक कर पाया, लेकिन हाँ कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो उनकी तरफ ध्यान चला गया। एक इल्जाम है पेशेंट के केयर गिवर के तौर पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अक्सर पेशेंट्स जब आदमी लूज करता है, वो जब ही लूज करता है जब उसको ये लगता है कि भाई ये तो मैं बता बता के थक गया और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ का। बट फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अनवेल, उनको नहीं समझ में आती है। आपके साथ हुआ कभी कभी ऐसा कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो? नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता। आई मीन आई एम लकी टू दैट एक्सटेंट, पर मैं थोड़ा कोशिश भी ऐसी रखता हूँ कि भी उनको मैं प्रेजेंट में रखूँ, तो वही है बस। जब तक वो प्रेजेंट में रहते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि आप कोलकाता गए थे और वहाँ फ्लाइट से उतरते ही आपको वापस दिल्ली आना पड़ा था? कुछ उस टाइम पर ज़्यादा बीमार थे और ऐसी हालात हो गए थे कि भी घर में और कोई था नहीं, बस मदर इन लॉ को मैं छोड़ करके चला गया था उनके साथ। मदर इन लॉ खुद भी बेचारी काफ़ी उम्र की हैं, तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा और शाम को उनका कॉल आ गया कि भी वो आप जो है वापस आ जाएं, मेरे से नहीं संभल रहे हैं, तो वापस आना पड़ गया। अगर मैं कर्नल अमित वर्मा की बात करूँ इंसान के तौर पर, अपनी लाइफ स्टाइल के नज़रिए से कितना बदलना पड़ा है आपको खुद को पिछले कुछ सालों में? जो एक बेसिक लाइफस्टाइल आर्मी ऑफिसर के तौर से होती कि भी मैं सारे दिन काम करता, क्लब भी जाता, गेम भी खेलता, वो सब चीज़ें चली गई हैं। अब ये है कि एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक के लिए टाइम निकालना पड़ता है कि भाई इस टाइम पर सब लोग हैं मौजूद घर में, सब ठीक है, अब मैं थोड़ी वॉक करके आ जाता हूँ। बाकी पूरा दिन हाँ ज़्यादा टाइम तो इसी में लग जाता है ये मेंटेन करने में कि भाई जो केयर है वो पूरी तरह मिल रही है उनको, इसी में टाइम। क्या क्या करना पड़ता है उनके लिए, किस स्टेज पर है वो भी? दिन भर से शाम तक मेरे हिसाब से जो मैं केयर करता हूँ वो ये मैं देखता हूँ कि भाई मैं किसी भी हालत में इनको प्रेजेंट से अलग ना होने दूँ। जैसे कि मैंने उनको समझा रखा है कि भाई आप 8 बजे नाश्ता करेंगे, तो अब 8 बजे को वो समझ नहीं पाते हैं, घड़ी देख लेते हैं, मुझे बता देते हैं कि छोटी सुई 8 पे है, बड़ी सुई 10 पे है, लेकिन मुझे ये नहीं बता पाते वो 8 बजने में 10 मिनट है, ये उनके समझ में नहीं आता। तो मैं एक ऐसा उनके लिए क्लॉक बना देता हूँ कि भाई ये जब ये ऐसे होएगी तो नाश्ता खाएंगे, तो इस तरह की बातें उनके साथ करते रहते हैं। आपके अपने बच्चे दूर हैं, बाहर हैं? मेरे बच्चे हैं, वो बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अलग हैं, बाहर हैं। Do you miss them? Of course. I mean, children go away. At some point of time. Baba, I just feel bad about one thing and that is I can't give it all my time. And especially the other day जब आपने मेरे को कॉल किया था in Australia and you told me कि अब तेरी ज़रूरत है और आ जा, I really felt bad that day. बाकी आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट कि मैं आ गया हूँ एंड नाउ आई थिंक यू हैव लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ। अमित वर्मा वो हमारे साथ रहता है, हमारी बहुत हेल्प करता है, हमारी ही नहीं दूसरे लोगों की भी बहुत करता है। ईमानदार, मेहनती, कदम कदम पे दूसरे इंसान की हेल्प करने वाला करता है। और हमारा तो 24 घंटे वही ध्यान करता है, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ऐसे दामाद यानी बेटे सबको मिले जैसे हमें मिले हुए हैं। I'm sure आपसे ये बात बहुत लोग कहते होंगे, आपको शायद नहीं लगती होगी, लेकिन कि कि ऐसे दामाद मिलना मुश्किल है, ऐसे लोग नहीं होते हैं। I don't do people tell you this? Oh, you don't believe it, but no. Do people tell you responsibility that? Responsibility devolves on a person in a family and that's it. वो कोई भी हो सकता है, कल को मेरे बेटे भी हो सकती है, that's it. He will look after all of us. But हर कोई आपकी तरह सोच नहीं पाता। I wish सब कुछ में सब कोई मेरी तरह सोचे। हमारे सारे मेहमान एक मुस्कान के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मीरा के पति की बीमारी अभी शुरू हुई है लेकिन उन्होंने आने वाली मुसीबतों के लिए खुद को तैयार कर लिया है। घर में भी जो भी है सब टाइम का फॉलो कर लेते हैं उनके लिए, हम लोग चाहे इधर उधर भी हो जाए ऐसे थोड़ा डिसिप्लिन करके, इवन देन ऑल्सो थोड़ा वो भी अपने आप भी थोड़ा डिसिप्लिन में अभी तक तो है।
कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं चलता, क्या हो रहा है क्या है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है उनके इसमें, ये डिफिकल्टी तो है. सो सोचते हैं क्या करें. अब हमारे साथ है मीरा स्वामी, जिनके पति एस एन स्वामी को पिछले 5 साल से अल्जाइमर्स है, लेकिन मीरा ने जिस डिसिप्लिन के साथ अपने पति को संभाला है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है. मीरा जी, एक अल्जाइमर्स के पेशेंट के लिए आपने कैसे पूरा टाइम मैनेज किया हुआ है कि वो एक एक काम बिल्कुल घड़ी देख कर करते हैं? क्योंकि मोस्टली थोड़ा पहले से ही थे, थोड़ा अपना टाइम देख कर ही, जो भी है पहले ही था कि हम 5 बजे निकलना है बिफोर अल्जाइमर ऑल्सो, जो भी है टाइम का इनका था. सो अभी भी यही है कि अपना लंच टाइम जो भी है टाइम का वो करना है, घर में भी जो भी है सब टाइम का फॉलो कर लेते हैं उनके लिए, हम लोग चाहे इधर उधर भी हो जाए मगर उनको जो भी खाना देना, उनको चाय कॉफ़ी जो भी है, अपना शेव करने भी जाते हैं उस टाइम हम लोग, बाकी उस रूम में ना जाए, ऐसा थोड़ा डिसिप्लिन करके. मगर अभी तक तो ही इज़ फॉलोइंग द डिसिप्लिन, सो वी आर ऑल्सो. थोड़ा शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत जैसे मेरी बेटी की शादी थी तो तब थोड़ा बिहेवियर अजीब सा लगता था. उसके बाद भी ये है कि उसके इन लॉस जब आए थे थोड़ा उनके साथ सब भी थोड़ा बिहेवियर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमने सोचा पता नहीं क्यों ऐसे सब बिहेव कर रहे, नहीं तो बहुत जेंटली ऐसे बिहेव करते, बिहेवियर में सब प्रॉब्लम और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था. अगर कुछ भी वो सेंटेंस पूरा बोल नहीं पाते थे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जो भी है थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई. तो फिर किसी ने कहा न्यूरो डॉक्टर के पास जाओ, तो हम लोग न्यूरो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा MRI ले लेना, MRI लिया तो अल्जाइमर डिटेक्ट हुआ. कभी कभी आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं? हो जाओ, ना ही नेचुरल है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और जैसे क्योंकि मोस्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना वो, उनको क्या हो रहा है क्या चाहते हैं ये मेनली नहीं हो पाता है, तो फिर लगता है क्या है, तो इरिटेशन तो होती है. बट फिर थोड़ी देर में अरे उसको भी कुछ मजाक में कर लेते हैं, चलो ऐसे ही है, जैसे सब लोग कहते हैं बच्चे ऐसे होते हैं, चलो ये भी बच्चे बड़ा बच्चा है. आपकी बेटी कुछ कहना चाहती है आपसे? मैंने कभी भी आपको गुस्सा होते हुए नहीं देखा और पेशेंस लूज होते हुए नहीं देखा, लेकिन बस मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जब एक बार ऊपर कारपेंटर का काम बहुत जोर शोर से हो रहा था और उस दिन पापा बहुत ही गुस्से में थे एंड ही वॉज बिहेविंग वेरी इरेटिकली, तो आप भी बहुत लो फील कर रहे थे. थोड़ी देर बाद वरुण आया और हम लोगों ने बाहर से कुछ मंगाया और सब इकट्ठे बैठ के खाए, तो आप थोड़ा नॉर्मल हो गए और फिर हम लोगों ने ऊपर जाके उन कारपेंटरों को भी बोला कि भी वो जल्दी से वाइंड अप कर ले बिकॉज एक पेशेंट है और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं. और जिस हिसाब से वो सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल किया और आपने हमें सहारा दिया, वो हमें आगे के लिए भी सीख देता है कि हम गुस्से को जल्दी काबू कर लें और कभी अपना पेशेंस ना खोए. कितना आपको लगता है कि वो समझ पाते हैं? उनके साथ तो कुछ नहीं तो बांट पाते, कुछ नहीं आजकल समझते नहीं है, मगर डॉटर्स ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है ना, एक तो हमारे साथ ही रहता है ना, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो भी वही ले जाता घूमने इनको कभी कभी कार में, चलो ना ले जाता हूँ, पहले हेयर कट के लिए भी वही ले जाता था, अब वो भी नहीं ले जाता, खुद ही कर देता है, चल मैं कर देता. आज भी मैं मेरे को ये याद आता है जब नाना जी को अल्जाइमर हुआ था तो आप थोड़ा परेशान, आपकी परेशानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि आपको हर एक चीज़ हैंडल करनी पड़ती थी. मैंने आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड देखा है उसके वजह से ही मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ नाना जी की हेल्प तो मेरे को करनी चाहिए. और इट्स रियली ग्रेट टू सी यू नो वर्किंग फॉर माई मॉम माई सिस्टर एंड माई ग्रैंड फादर, सो इससे एक बूस्ट अप मिलता है एंड आई लव यू नानी. तो आज हमने देखा कि जिंदगी किस कदर बदल जाती है अगर किसी अपने को अल्जाइमर्स हो जाए, लेकिन अल्जाइमर्स किसे होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर चुग से. इसके अलावा क्या क्या परेशानियां इस बीमारी से जुड़ी हुई हैं, इस बारे में बात करेंगे अल्जाइमर्स सोसाइटी की काउंसलर निर्मला नरूला से. अगर आप अपने ब्रेन को ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक्टिव रखेंगे, मैंने कितने लोगों को सुडोकू करना सिखा दिया.
आज जिंदगी लाइव में हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स की और अल्जाइमर पेशेंट्स की देखभाल करने वालों की। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संजय चुग और अल्जाइमर सोसाइटी की काउंसलर निर्मला नरूला। डॉक्टर चुग, सबसे पहला सवाल, ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है अल्जाइमर्स दरअसल है क्या। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। ब्रेन के कुछ हिस्सों में वेयर एंड टियर जब होने लगता है, उस सिचुएशन को, उस बीमारी को, उस समस्या को हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं, लगभग मैं कहूँगा 50 से 100 तरह के डिमेंशियाज डिस्क्राइब हुए हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो डिमेंशिया की टाइप है उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर्स टाइप। और सबसे बड़ा डर यही लगता है, क्या मुझे भी हो सकता है, किसी को भी अल्जाइमर्स हो सकता है? आपको हो सकता है, मेरे को हो सकता है। रिस्क जो है कुछ केसेस में बढ़ जाता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को इस बीमारी से 100% इम्यूनिटी है। निर्मला जी, यहाँ मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, अब बहुत कम लोग जानते हैं अल्जाइमर्स के बारे में, ऐसे में अल्जाइमर सोसाइटी क्या करती है? वी हैव ट्रेन्ड काउंसलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी दो मेमोरी क्लिनिक्स हैं, एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वन ऑफ द पेशेंट्स हैड बीन देयर, और एक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को बताएं कि आइए हमारे पास, फ़ोन कीजिए हमें, हम बताएंगे, हम अरेंज करेंगे और फिर दवाइयाँ भी मुफ्त देंगे। ये तो बात हो गई जब बीमारी है या पेशेंट्स हैं, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, कैसे इस बीमारी से बचा जाए, क्या कोई तरीका है? अगर आप अपने ब्रेन को ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक्टिव रखेंगे, मैंने कितने लोगों को सुडोकू करना सिखा दिया, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एज के बाद अगर आप स्मोकर भी हैं, आपको सिर्फ डिमेंशिया अवॉइड करने के लिए ही स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, उसका जो सेवन है जितना कम कर सकेंगे, ऑन एन एवरेज नॉट मोर देन 30 ml इन अ डे और अ ग्लास ऑफ वाइन। उससे ज़्यादा अल्कोहल की कंजम्पशन भी देखा जाता है कि वो हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शन को नकारात्मक तरीके से प्रभाव करती है। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अ हेल्दी स्लीपिंग रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट द मोस्ट, अगर आप कहें जी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मेरे को एक फैक्टर बता दीजिए, दैट इज़ यूटिलाइजिंग योर ब्रेन। डॉक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, जो अल्जाइमर का पेशेंट है उसको तो एक बीमारी है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन जैसे हमने ये सारे केयर गिवर्स देखे जो उनकी देखभाल में हर वक्त लगे हुए हैं, सबसे बात की, सबने कहा हाँ कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार अकेलापन भी महसूस होता है कि उससे हम कुछ कह नहीं सकते, अपनी परेशानी बांट नहीं सकते, इन केयर गिवर्स को भी तो केयर की ज़रूरत है। जो एडवाइस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ इन सब केयर गिवर्स को और बहुतों को यही देता हूँ कि आप पहले तो अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए। आप जो जो जिम्मेदारी किसी और को दे सकते हैं, सर्वेंट रख लिया अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको मदद मिलती है आपको वो लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों से पहले पूछा था और आप सब ने कहा था कई बार हिम्मत टूटती है, तो आज अगर अब मैं पूछूं कि वो एक चीज़ क्या है विच कीप्स यू गोइंग, हिम्मत वापस कहाँ से आती है? विभा, लाइक डॉक्टर चुग सेड, इट्स पे बैक टाइम। तो यू नो आवर पेरेंट्स हैव डन फॉर अस देयर होल लाइफ, तो दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन डू, हम वापस अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, एंड इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि आई लव यू। अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी व्हाई कांट यू नाउ शिफ्ट हिम टू शिफ्ट माय फादर इनटू एन इंस्टीट्यूशन, एंड आई हैव gone through that question and I'm very very clear, I cannot do it, now I will never do it, and I know my dad will also not survive that for long. It's, I just cannot bring myself to do it. Main apni taraf se to bas yahi kehna chahunga ki there is a sense of responsibility which drives me. I believe in my responsibilities and that belief is unwavering. So if the responsibility is mine, I have to fulfill it. It is regardless of who is at the receiving end of that responsibility. मैं यही कहती हूँ कि जब तक मैं हिम्मत करती हूँ, सेवा करूँगी उनकी, ये मेरा धर्म भी है और मेरा इच्छा भी है कि मैं उनकी सेवा करती हूँ। मेरा तो यही है कि he was so cooperative. पहले तो बहुत ख्याल मेरा रखा था, तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि चलो अभी मेरी बारी है, जो भी करना है करूँ, और जो है मैं ये ग्रज कर नहीं करती हूँ, हंस कर जो भी करना है फुल माइंडली अपने से ही करती हूँ।
तो आज जिंदगी लाइव में हमने देखा कि अल्जाइमर्स में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है प्यार और देखभाल की। हमारे ये सभी मेहमान अपनों की हर संभव देखभाल कर रहे हैं और उन्हें पूरा प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अल्जाइमर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, वो अकेले हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है। क्या आप उन्हें सहारा देंगे? सोचिए।